हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिवन। तो हम लोग कर रहे हैं बालक का विकास, तो जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था बालक का शारीरिक विकास। उसके बाद हमने जीन पियाजे की थ्योरी देखी थी, बालक का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे हम बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। आज हम करेंगे बालक का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें हम पढ़ेंगे कोहल वर्ग की थ्योरी। ठीक है, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया था, तो हम उनकी थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए हम बिल्कुल बेसिक से और एंड तक जाएंगे। तो जीन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, अब ये जीन प्याजे क्या कह रहे थे? देखिए, कोहल वर्ग से पहले जीन प्याजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात की थी। इन्हीं से प्रेरित होकर कोहल वर्ग ने सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले जीन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत में उन्होंने बुक द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, जो 1932 ईस्वी में लिखी थी। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ हम मॉरल जजमेंट देखते ही कोहल वर्ग टिक कर देते हैं, लेकिन यह जीन प्याजे की बुक है जो कि उन्होंने 1932 में लिखी थी, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। जीन प्याजे ने छोटे छोटे बच्चों को नैतिक की कहानियां सुनाई, फिर उन कहानियों पर प्रश्न बनाए और हल करने के लिए बच्चों को दिए। तो नैतिक विकास के सिद्धांत में जीन प्याजे ने क्या किया कि छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी स्टोरी सुनाई, उनके आधार पर क्वेश्चन बनाए और उनको हल करने के लिए दे दिए। नेक्स्ट देखिए, जीन प्याजे ने नैतिक विकास की दो अवस्थाएं बताई, हिट्रोनोमस और ऑटोनोमस। तो हिट्रोनोमस की जो उम्र है उन्होंने बताई कि ये 4 से 7 वर्ष तक की होती है, क्योंकि 4 से पहले की जो उम्र होती है उसमें बच्चे का नैतिक विकास बिल्कुल नहीं होता है, नगण्य होता है, शून्य होता है। तो हिट्रोनोमस की एज जो है वो 4 से 7 वर्ष बताई है। इसमें जो नैतिक विकास होता है वो बच्चा बाहरी सत्ता से सीखता है, यानी बाहर जैसा देखता है, उसके सामने जैसा प्रेजेंट किया जाता है, वो उस चीज को देखता है और वैसा ही सीख जाता है। सेकंड, ऑटोनोमस, उन्होंने 10 से बड़े बच्चों के बारे में बताया कि वे बच्चे जो हैं वो स्वायत्तता पर आधारित नैतिकता सीखते हैं, यानी कि स्वयं ही सीखते हैं। ठीक है, वो खुद डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है, और उस आधार पर नैतिकता जो है वो उनमें डेवलप होती है। तो उन पियाजे की थ्योरी में बस आपको इतना ही याद रखना है, उनकी बुक याद रखनी है, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, 1932 में दो अवस्थाएं बताई, हिट्रोनोमस ऑटोनोमस, जिसमें हिट्रोनोमस की एज 4 से 7 वर्ष बताई और ऑटोनोमस की 10 से बड़े बच्चों को बताया। चलिए, तो जीन प्याजे से प्रेरित होकर कोहल वर्ग ने, हम जानते हैं कोहल वर्ग की थ्योरी को नैतिक विकास के सिद्धांत में, लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि नैतिक विकास के सिद्धांत की जो बात है वह किसने कही है, तो वहां आपका जीन प्याजे और कोहल वर्ग, यदि दोनों साथ में दिया होगा ऑप्शन में, इस तरीके से दिया हो कि नैतिक विकास के सिद्धांत की अवधारणा जो है उसके बारे में बात किस किसने की है, तो वहां पर आपके ऑप्शन दे दिया जाए जीन पियाजे और कोहल वर्ग, सेकेंड ऑप्शन दे दिया जाए वाइगोस्की और एरिक्सन, इस तरीके से दे दिया जाए, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, जीन पियाजे और कोहल वर्ग दोनों ही होगा, लेकिन मेन जो थ्योरी है वह कोहल वर्ग की है। ठीक है, चलिए, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहल वर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कोहल वर्ग जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रभावित हुए और उसमें संशोधन करके, उनके सिद्धांत में मॉडिफाइड करके नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब आपको इस लाइन से बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया किसने, किसने? कोहल वर्ग ने। कोहल वर्ग ने कहानियों के माध्यम से यह सिद्धांत दिया। उन्होंने 11 कहानियां लिखी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कहानी जो है वह है हाइनेस की है। आप लोगों ने बीएड की थी जब, वहां पर भी ये चीज सुनी होगी कि कोहल वर्ग ने 11 कहानी लिखी, उसमें सबसे जो फेमस थी वह थी हाइनस की कहानी। इसमें क्या था कि हाइनस जो था वह एक यूरोप का व्यक्ति था और उसकी जो वाइफ थी वो बीमार थी। ठीक है, अब उसको अपनी बीमार वाइफ के लिए दवाइयों की जरूरत थी, तो वह पास के एक स्टोर में जाता है, मेडिकल स्टोर में, वहां बिना कुछ सोचे समझे उस दुकान को तोड़कर अपनी पत्नी के लिए दवा चुरा कर ले आता है, क्योंकि हाइनेस के पास पैसे नहीं थे। हाइनेस यूरोप के थे। कोहल वर्ग ने इस कहानी के माध्यम से लोगों को यह समझाया है कि हाइनेस जो है वो जन्म से चोर नहीं था, बल्कि ये जो समाज है उसने यह नैतिक व्यवहार जो है वो करने के लिए उसे मजबूर किया। इस समाज से ही वह नैतिक व्यवहार सीखा, यानी जो भी कुछ हम अपने समाज में देखते हैं वही हम
सीखते हैं वहीं से नैतिक विकास जो है वह होता है। तो कोहलबर्ग की थ्योरी में हमें यह पढ़ने को मिलता है। देखिए, अगर हाइनेस के पास पैसे होते तो वह यह कार्य नहीं करता, और अगर मेडिकल वाला उसे फ्री में वो दवाई दे देता तब भी वह यह कार्य नहीं करता, लेकिन यह बात भी संभव नहीं थी, तो उसे चोरी करनी पड़ी। तो उसने समाज से ही चोरी करना सीखा, वह जन्म से ऐसा नहीं था। चलिए, तो हाइनेस के सामने जो प्रॉब्लम आई थी तो उसमें उसके माइंड में क्या थी, नैतिक तर्कणा थी या नैतिक दुविधा थी? तो इससे पहले हमें समझना होगा नैतिक तर्कणा क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार इन दोनों शब्दों से ही आपके क्वेश्चन बने हैं। नैतिक तर्कणा यानी मॉरल रीजनिंग, इसमें सही गलत का निर्णय जो है वह लेना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा यानी मॉरल डेलीमा, इसमें कंफ्यूजन होता है कि सही गलत में, जब यह पता हो कि दोनों हालत में ही नुकसान तय है। तो हाइनस का चोरी करने का कारण यही था, नैतिक दुविधा, मॉरल डेलीमा, क्योंकि वह कंफ्यूज था कि वह अब क्या करे। तो उसने यह सोचा कि जब दोनों ही हालत में नुकसान है तो वह उसे चोरी करनी चाहिए। ठीक है, तो हाइनेस के माइंड में नैतिक दुविधा थी। अब हम पढ़ते हैं कोहलवर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाएं। कोहलवर्ग ने अपने नैतिक विकास की अवस्था में 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेजेस बताई हैं, 3 स्तर बताए हैं, और हर स्तर के, हर लेवल की दो दो स्टेजेस हैं। यदि हम सभी को मिला दें तो कुल मिलाकर 6 स्टेजेस हो जाती हैं। फर्स्ट है पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, जिसे रूढ़ी पूर्व अवस्था भी कहते हैं। यह 4 से 10 वर्ष तक की होती है। अब 3 से पहले की जो बात है वो हमने क्यों नहीं लिखी, कोहल वर्ग ने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे, कोहल वर्ग, ये सभी 1, 2 और 3, इन तीनों वर्षों में नैतिकता का विकास नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता है नैतिक शब्द ही क्या है। तो नैतिक अवस्था को 4 से 10 वर्ष तक स्टार्ट किया गया है। तो पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था जो है वह 4 से 10 वर्ष तक की मानी जाती है। फर्स्ट जो है स्टेज, पहला जो चरण है वह है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड और पुरस्कार पर आधारित। यहाँ पर बच्चा यह सीख जाता है कि अगर कुछ गलत कार्य किया जाएगा तो उसे दंड का मिलेगा, और अगर वो अच्छा कार्य करता है तो उसे पुरस्कार मिलता है। तो यहाँ वह सीख जाता है और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वह अच्छे कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि जब कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो हम उसको टॉफी या फिर कुछ ऐसा प्राइज में देते हैं, तो वह पुरस्कार की प्राप्ति के लिए यहाँ नैतिकता सीखता है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज, व्यक्तिकता व विनिमय पर आधारित, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज। तो इस अवस्था में होता है टिट और टैट की अवस्था, यानी जैसे को तैसा। जैसा एक व्यक्ति दूसरे के साथ, एक बालक दूसरे बालक के साथ करता है, वैसा ही बदले में वह भी उसके साथ करता है। यानी अगर उसको एक वस्तु जो है वो दूसरे को देनी होती है तो वह दूसरा जो है वह भी बदले में उसको ये चीज देता है। नेक्स्ट है परंपरागत नैतिक अवस्था, जिसे कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं, इसे रूढ़िगत चिंतन भी कहते हैं। इसकी उम्र जो है वह कॉल वर्ग ने मानी है 10 से 13 वर्ष तक, यानी 10 से 13 वर्ष तक परंपरागत नैतिक अवस्था बच्चे में आ जाती है। इसकी 2 स्टेजेस हैं। सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग सब स्टेजेस 2 हैं इसकी, गुड बॉय, गुड गर्ल अप्रूवल और लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन अगर हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन देखें तो ये आपकी थर्ड स्टेज है। ठीक है, गुड बॉय और गुड गर्ल अप्रूवल, इसमें बच्चा जो है वो बहुत अच्छा दिखने के लिए, अच्छा लड़का अच्छा लड़की दिखने के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ अगर वो अच्छा कार्य करते हैं तो यहाँ पर उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो यह है अंतर व्यक्तिक संबंध की अवस्था। ठीक है, तो स्कूलों में भी आप स्कूल का ही एग्जाम्पल लगाकर देखिए कि 10 से 13 वर्ष का जो बच्चा होता है वो फटाफट से मैम की बात मान लेता है, और खुद को अच्छा अप्रूव करने के लिए वह सारा जो भी होमवर्क वगैरह होता है वह भी फटाफट करके मैम को दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ खुद भी वह अच्छा दिखना चाहता है। उसके बाद है फोर्थ स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर।
ऑर्डर, कानून और आदेश की अवस्था। यहाँ वह कुछ कानून जो हैं वह बनाए गए हैं स्कूल्स में या समाज में, उनके आदेशों की पालना जो है वह करना सीखता है, जैसे कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल में आना चाहिए। तो यह इन चीजों को मानता है, ये जो कानून बने हुए हैं इन आदेशों की पालना करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इनका पालना नहीं किया गया तो यहाँ पर उसको ही दंड मिलेगा। तो यह अवस्था जो है वह कब आती है, 10 से 13 वर्ष तक के बच्चे में, जिसे परंपरागत नैतिक अवस्था कहते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था जो है वह है आपकी फोर्थ स्टेज। ठीक है, स्टेज जो है वो आपको बिल्कुल याद रखनी है, कौन सी स्टेज जो है जिसमें क्या बात कही है। थर्ड है गैर परंपरागत या पश्च नैतिक अवस्था, इसे रूढ़ी से ऊपर उठकर चिंतन इस अवस्था के अंदर होता है, इसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही याद रखना है, क्योंकि कई बार हिंदी अगर नहीं दिया होगा तो इंग्लिश वर्ड ही दिए होंगे, तो वहां आपको याद रखनी है कि ये कौन सी स्टेज है। इस स्टेज में उम्र जो है वह 13 वर्ष से अधिक बच्चों को रखा जाता है। चलिए, इसकी जो स्टेज है अगर हम क्रम से याद रखें तो यह है आपकी फिफ्थ स्टेज होती है, और यदि हम थर्ड लेवल की बात करें तो यह है थर्ड लेवल की फर्स्ट स्टेज है, इंडिविजुअल राइट एंड सोशल ओरिएंटेशन, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक समझौते की अवस्था। यहाँ पर व्यक्ति जो है, बालक जो है, उसके अंदर कुछ अधिकार जो हैं वह डेवलप होते हैं कि यह मेरा राइट है। फोर्थ है यूनिवर्सल एथिकल, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे को पता है, व्यक्ति को पता है कि कुछ जो रूल हैं वो सभी के लिए बने हुए हैं, अगर इनको तोड़ा जाता है तो यह है उसके लिए या सबके लिए नुकसान होगा, जो कि सभी के लिए सभी पर लागू होती है। ऐसा नहीं है किसी इंडिविजुअल जो इंसान है उस पर ही लागू हो, वह सभी के लिए समान लागू है। चलिए, हमने 3 लेवल पढ़ी जिसमें हमने 6 स्टेजेस पढ़ी। चलिए नेक्स्ट है आलोचना। अब आलोचना से शब्द क्वेश्चन जो है वह भी आपके बनते हैं। कैरल महला ने कॉल वर्क की थ्योरी की आलोचना की। किसने की? कैरल महला ने। और क्योंकि महिला के नैतिक व्यवहार की चर्चा नहीं की, क्योंकि जो भी सैंपल लिए कॉल वर्ग ने, जो भी कहानियां सुनाई और उसके बाद उन्होंने जो भी प्रयोग किया वो सबके सब पुरुषों पर किया, महिला के नैतिक व्यवहार की उन्होंने जांच नहीं की, वहां पर उन्होंने महिलाओं के बारे में बात नहीं की, पुरुष सैंपल ही लिए। सभी संस्कृति पर यह सिद्धांत तो लागू नहीं होता। अब कोहल वर्ग ने बताया कि यह सिद्धांत तो जो है वो सभी पर लागू होता है, लेकिन यह सिद्धांत सभी पर लागू नहीं होता है। तो कई लोगों ने आलोचना भी की। देखिए, सिद्धांत तो दिए जाते हैं और लोगों द्वारा आलोचना भी की जाती है। तो यहाँ पर कोहल वर्ग की थ्योरी में आपके क्वेश्चन बनते हैं कि किसने कोहल वर्ग की थ्योरी की आलोचना की? कैरल महला ने। केवल पुरुष सैंपल ही लिए और सभी संस्कृति पर भी ये चीज लागू नहीं होती है। तो यहाँ आपकी कोहल वर्ग की थ्योरी जो है वो पूरी होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपको स्टेजेस जो हैं उनके नाम जो हैं वो अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि स्टेजेस में से ही क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।